तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों तुझको लगता है डर। मेरे माँ बाप को लगता था कि मैं उनका नाम अमर करूंगा और प्लान भी वही था। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 28 पे छोकरी, 30 पे बच्चे और 60 पे रिटायरमेंट। यू सी, मोस्ट ऑफ अ लाइफ इज सर्टन, सब कुछ निश्चित है, मौत भी निश्चित है, बस टाइम का पता नहीं होता। अब मुझे देख लीजिए, पढ़ाई कर ली, नौकरी मिल गई, लव मैरिज भी हो गई, एक छोटू भी है, और जल्दी से ही पर भगवान का बुलावा भी आ ही गया। ये क्या कर रही है? जाने दे बिट्टू, तुझसे ना हो पाएगा। कभी कभी ऊंचाई छूने के लिए हौसले की नहीं, हाइट की जरूरत होती है। याद है ये फोटो? और वो एजेंट, उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। थैंक्स, तुम भी खा रहे? क्या देख रहे हो? तुम कितनी सुंदर लग रही हो। चलो ना, घर चलते हैं। चलो। 3 साल हो गए शादी को, ये सब गले जाने वाले सारे तरीके ना सब जानती हूँ मैं। मुझे एक और कच्चा आम चाहिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि घर चल के जो है कच्चे आम की तैयारी करते हैं। तुम ना गुस्से में और भी सुंदर लगती हो। यू डोंट नो, सेल्फी का टाइम हो गया। ओके, नो, लेट्स टेक सर। अरे भाभी जी। अरे आप यहाँ? सर, सर वो देखिए, मेरी बीवी और मेरा बच्चा। शादी को इंश्योर करना भी तो जरूरी है ना सर। मैं भी तो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आपकी बीवी? इतनी सुंदर, मुझे तो शक होता है। क्या सर? सर मैंने देखा आप सेल्फी ले रहे हो, सोचा सेल्फी से अच्छी फोटो ही ले लूं। दीजिए सर। ओके। यादों को सिक्योर करना ही हमारा काम है सर। पर पहले तो कह रहे थे फ्यूचर को सिक्योर करना। एक ही बात है ना सर, आज का फ्यूचर ही तो कल की यादें है, है ना भाभी जी? सर ये लीजिए, बबल बबल ब्लो कीजिए। ये सही रहा। ओके ओके, कच कच चलिए ऊपर। ओके अभी देखना। ओके रेडी। बहुत बोलता था वो, लेकिन फोटो अच्छी ली। बंटी भैया। बंटी, अच्छा हुआ तू आ गया। अब यहां से तू सब कुछ संभाल लेगा। जय माता दी, लेट्स रॉक। और अमर को अमर रखेंगे हम, यहां नहीं, यहां। कम आइए। माता रानी की कृपा से ना मैं एक प्रॉब्लम भी लाया हूं, उसके सलूशन भी साथ में। क्या हुआ जी? वो ना आपको दुकान खाली करनी पड़ेगी। दुकान? अच्छा, यू मीन स्टूडियो। ये कोई गल हुई ना? नहीं, करना पड़ेगा। ओ, अमर कभी कभी रेंट भरना भूल जाता था, वरना बस मुझे याद आ जाए वो पेपर्स कहाँ रखे हैं मैंने। आप ना सारा सामान अपना लेकर ना हमारे यहाँ शिफ्ट कर जाइए, टुगेदरनेस होगी जी। आप खामा का टेंशन ले रही हैं, प्लीज। टेंशन नहीं ले रही, बस याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो पेपर्स कहाँ रखे हैं। I'm sure I've kept them somewhere, I just don't remember it. एक मिनट।
मुझे अमर की बहुत याद आती है। और एक और प्रॉब्लम है, वो है ना जी 24/7, मुझे आपकी याद आती है, आपकी स्माइल। What will you have? मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ, राइट? नहीं, चलो आप ला ही रही हैं तो आप ब्लैक कॉफी विद डैश ऑफ मिल्क। अमर, आई मिस यू अमर। भाई बड़ी डिंगे मारता था ना पल्लवी को जब घुमाता था, अब पाजी मैं घुमाऊंगा। अभी थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी बन रही है लेकिन मैं सेट कर दूंगा, जान ले लूंगा तेरी साले। तीन ही कंधे मिलेंगे तेरे जनाजे को, लुढ़कते हुए जाएगा तेरे शमशान तक। क्या हुआ? ओ, कुछ नहीं। What? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं जी, वो पुराना सियापा है हमारा, जब भी ज्यादा इमोशनल होता एक पांव पे डांस करना। कॉफी? आप नहीं लोगे जी? नो, आई एम गुड थैंक यू, अभी पी मैंने। वो तो हमें जानते हैं कि आप बहुत गुड हो। कुछ नहीं किया जी। मैंने नहीं दिया जी। I'm sorry, पता नहीं कहां से आ गया। मुझे दे दीजिए। बाथरूम कहां है? Straight left. I'll take you. नहीं, मैं कल ही चले आना। अमर, क्या तुम एक्चुअली यहां हो? अगर हो तो कोई इशारा दो प्लीज। वो बंटी भैया है ना, वो नहीं जानते कि हमारा स्टूडियो कभी बंद नहीं हो सकता। बस मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो पेपर्स कहां रखे थे मैंने। कबर्ड में? Are you sure? मैं कबर्ड चेक कर चुकी हूं अमर।
so glad we planned this. Our studio, our child, his future, and everything else. Because ये सब तो था ही ना. बस तुम नहीं हो. I love you, Amar. I miss you. I love you too, Bibi. उस दिन फ्यूचर सिक्योर किया था, आज यादें सिक्योर हो गईं.